एक भाई साहब ओवरहेड ब्रिज गुजरा वाला आप खड़े होकर नीचे देख रहे हैं फाटक की तरफ, और ऐसा जहर कह रहे हैं कि नीचे पता नहीं क्या हो गया। तो आप देख सकते हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, पूछ रहे हैं यार क्या हो गया नीचे, क्या हो गया। बस ये देखिए ये भाई हैं, देखो बड़े आराम से नीचे देख रहे हैं, घर से बेशक ये मुर्गी लेने निकले हो, उन्होंने देखना ज़रूरी था कि यार ब्रेक लगा के चेक करो नीचे क्या हो रहा है। ये देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है, आम ट्रैफिक चल रही है, ये फाटक है, ट्रेन भी इस वक्त नहीं आई हुई। ये देखें ये भाई साहब आए हैं बड़े आराम से, उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की है और बड़े इत्मीनान से आगे पीछे ऊपर नीचे चेक किया कि नीचे क्या हो रहा है। हालांकि नीछे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, अपने काम का छोड़ दिए हैं, पता नहीं जिस काम में भी जा रहे थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार वो काम लेट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। उसने कहा यार पहले मैं नीचे देखूं नीचे क्या हो रहा है। हालांकि उन्होंने किसी की नीचे जाके हेल्प भी नहीं करनी, बस ऊपर से तमाशा देखने के लिए बस खड़े हुए हैं। वो देखे चांद गाड़ी वाला किसी का माल लेके जा रहा था, उसने कहा नहीं यार माल को साइड पे छोड़ो, पहले मैं नीचे देखता हूँ नीचे क्या हो रहा है। देखो ए भी आ गए चेक कर दे पहले, देखो भाई साहब भाई तुम भी वेलो, बड़े आराम से चेक कर रहे हैं क्या हुआ ये, मतलब के पीछे नीचे अलग है कुछ भी नहीं है। ये भाई भी हैं, ये भी देखेंगे कि अपनी मायरा ना रहा है, बाद में देखें। ए देखो चांद गाड़ी वाले चेक करो, क्या आई बात है।